हाय गाइस, हाउ डू यू डू। आई होप यू गाइस आर क्वाइट सेफ एंड साउंड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के सिलसिले में, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस इंग्लिश में चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इस तरह के आने वाले वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो चलते हैं फ्यूचर टेंस। पूरे फ्यूचर टेंस में हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी? ग, गे, गी, ओके। और इसमें इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? वे, ओके। अब आइए फ्यूचर टेंस में सबसे पहले क्या है? फ्यूचर सिंपल, ओके। तो फ्यूचर सिंपल में आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर याद रखना है अफर्मेटिव का, ए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या है गाइस? सब्जेक्ट विल, वी वन प्लस अदर वर्ड्स, ओके। जैसे मैं जाऊंगा, ठीक, एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैं जाऊंगा। तो कैसे कहोगे आप? आई विल गो, मैं जाऊंगा। वह खाना पकाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका? वह खाना पकाएगी। शी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी। और दूसरा है नेगेटिव। तो नेगेटिव का क्या है? सब्जेक्ट विल नॉट और वी वन, ठीक। तो इसमें देखना है आई विल नॉट गो, तो क्या होगा इसका मीनिंग? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। शी विल नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाएगी। अब आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो कैसे करेंगे? सी इंटरोगेटिव। सबसे पहले आपको रखना है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन और उसके बाद अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, ओके। जैसे विल यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, ठीक। इसका नेगेटिव बनाना है, तो कैसे? इंटरोगेटिव नेगेटिव का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और वी वन अदर वर्ड्स, ओके। विल ही नॉट ज्वाइन आ कंपनी, क्या वे कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक। तो ये आपने देखा फ्यूचर टेंस में, सबसे पहले फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। मिलते हैं, तब तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।